हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये इस डिज़ाइन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की। तो हमने इस वाले राउंड तक फर्स्ट पार्ट में बना लिया था, अब यहाँ से 19 नंबर के राउंड से शुरुआत करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर 3 चैन बनानी है और फिर उसमें 2 डबल क्रोशिया, मतलब जो एक खिड़की बनाई थी हमने उसमें यहाँ पर टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। शुरुआत क्योंकि 3 चैन से होती है उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर आपको 3 चैन बनानी है और आगे वाली खिड़की में जो है आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिंपल सा राउंड है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, 3 चैन बना दीजिए, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, एक ये दूसरी और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 3 3 का पैटर्न से बनेगा और आपको इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 19 नंबर का राउंड हमारा पूरा हो चुका है, अब शुरुआत करेंगे हमारी 20 नंबर के राउंड की। बट आपको धागे को जो है इस तरह से बीचों बीच लेके आना है, तो एक नॉट के साथ लेके आएंगे, उसके बाद एक चैन और आगे वाली खिड़की में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन बनाइएगा और सेम खिड़की में ही 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये एक, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो आपने 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया एक इसमें बना दिए हैं। फिर एक चैन बनाइएगा, आगे की खिड़की में स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है या सिंगल क्रोशिया के साथ, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर एक चैन बनाइए, आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया पहले बना लो, एक दूसरी और फिर ये तीसरी, इसके बाद जो है 3 चैन बनानी है और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया। तो ये आपका पहला एक, इसमें ही ये दूसरा डबल क्रोशिया और उसी में ही ये आपका तीसरा डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे, एक चैन। इसी तरह से आपको ये पैटर्न बनाते जाने हैं। ये देख सकते हो पूरा राउंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे का राउंड की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा 21 नंबर का। तो पहले आपको धागे को ये जो 3 चैन बीच में बनाई है वहाँ तक लेके आना है। तो इस तरह से एक एक करके स्लिप नॉट लगा के धागे को आप लूप के बीचों बीच ले आइएगा, फिर 2 चैन और उसमें ही आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद आप 3 चैन बनाइएगा और उसी में सेम 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले वाला राउंड में बनाया था उसी तरह से इस वाले राउंड में आप 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर सेम उसी तरह से आपने पैटर्न बनाया। अब आपको बीच में 1 2 चैन बना के फिर डबल क्रोशिया के साथ आगे वाले पैटर्न के ऊपर जोड़ना है। ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर उसमें ही 3 डबल क्रोशिया, ये 1 ये 2 और ये 3। इसके बाद फिर आप 2 चैन बनाइएगा और आगे के पैटर्न के ऊपर उसी तरह से। तो इस तरह से आपको पूरा राउंड बना लेना है। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिज़ाइन वैसी है जो से पहली बनाई है, सिर्फ आपको बीच में 2 चैन बनानी है 2 पैटर्न को जोड़ने के लिए। ये देख सकते हैं, इस तरह से पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद
नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। जब भी नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करनी है, धागे को आपको यहाँ तक बीचों बीच लेके आना है, ये याद रखिएगा। फिर जो है आपको तीन चैन बना के डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे हमने पहले बनाए थे, तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया, ये एक, ये दो और ये तीसरा। अब ये जो चेंज है वो देखिएगा। अब हमें यहाँ पे चार चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है आगे वाले लूप में। अब यहाँ इस वाले लूप में आपको क्या करना है, डायरेक्ट सात डबल क्रोशिया बनानी है। आप आठ भी बना सकते हो अगर और थोड़ी सा बड़ी साइज चाहिए तो, या सात ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद चार चैन और बनाऊंगी और आगे के पैटर्न में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ के अपना वही तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया वाले पैटर्न को यहाँ पे रिपीट करूंगी। ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब इसके बाद चार चैन, फिर आपको तीन डबल क्रोशिया, सॉरी सात डबल क्रोशिया, इसके बाद चार चैन, इसी तरह से पूरा राउंड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम शुरुआत करेंगे आगे के राउंड के लिए 23 नंबर का। सेम उसी तरह से आपको पहले धागे को बीच में बीच लाना है और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसके बाद तीन चैन और फिर तीन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारा सेम पैटर्न बन गया। इसके बाद जो है आप चार चैन बनाइएगा और ये सात डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर सात डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, बस आपको बीचों बीच एक एक चैन बनानी है। तो पहला डबल क्रोशिया, एक चैन, आगे का एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरह से सात डबल क्रोशिया के ऊपर सात डबल क्रोशिया बनेंगी और उनों के बीच में एक एक चैन बनानी है आपको। ये देख सकते हैं, इस तरह से बना दीजिए। आपको चार चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे सेम पैटर्न आएगा, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया वाला, एक दो तीन, फिर उसी में ही तीन डबल क्रोशिया और, दो और ये तीन, इसके बाद इसी तरह से आप पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आगे का राउंड शुरुआत करेंगे 24 नंबर का। धागे को अपने सेंटर तक ले आए हैं, सेम पैटर्न बनाना है, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया वाला।
इसके बाद जो है आपको एक दो तीन चैन, चार पांच, पूरी पांच चैन बनानी है और यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ या सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर तीन चैन, सिंगल क्रोशिया, तीन चैन, जैसे हमने शुरुआत में पहले पार्ट में बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है। तीन चैन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, पाइनएप्पल शेप जो है, अगर आपने पहले इसके पहले डिज़ाइन बनाई है तो आप ये डिज़ाइन आराम से बना लोगे, नहीं पहली बार ट्राई कर रहे हो तो भी सिंपल सी है। इसको पाइनएप्पल शेप बोला जाता है। ये देखिए लूप बने अभी छः, हर राउंड के साथ एक एक लूप कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर लूप की संख्या कम होती जाएगी फिर यहाँ इस बीच वाली जो डिज़ाइन है वहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी तो हम सेम बना रहे हैं इस वाले राउंड में, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया। इसके बाद जो है आपको चार चैन और बनानी है और फिर सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तीन चैन सिंगल क्रोशिया, तीन चैन सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा, इसी को आपको फॉलो करना है, बाकी के सारे पैटर्न को पूरा कर लेना है। अब जोड़ना कैसे वो देख लीजिएगा। तो तीन चैन बनाते हैं स्टार्टिंग में, उसमें तीसरे चैन में स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है, फिर धागे को इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर आगे लेके आना है और फिर आगे का राउंड शुरू कर देना है। अब यहाँ पे आप तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, ये सेम पैटर्न बनाइएगा। इसके बाद आपको ये देख सकते हैं पांच चैन बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ, और सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है। इसके बाद चार चैन सिंगल क्रोशिया के साथ आगे के लूप में जोड़ेंगे, चार चैन सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे आपकी लूप की जो संख्या है वो पांच होंगी, एक दो तीन चार सिंगल क्रोशिया, ये देख सकते हैं एक दो तीन चार। के बाद जो है आपको छह चैन बनानी है, डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया वाले पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए धागे को जोड़ के आगे ले आना है। यहाँ पे चेंजेस होगा, तो पहले आप तीन चैन बना लो जो कि एक डबल क्रोशिया की तरह समझेंगे और फिर दो डबल क्रोशिया, और इसके बाद आपको दो चैन बनानी है, एक दो, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, फिर दो चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, क्योंकि हम यहाँ आगे वाले राउंड में दो अलग अलग मार्क रास्ते करने हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी है दो त्रिकोण वाले बना के कि उनमें अलग अलग पैटर्न जॉइंट हो पाएंगे। इसके बाद जो है आपको छह चैन बनानी है, एक दो तीन चार
पाँच छः सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे चार चैन बनानी है, फिर आपको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है इस तरह से, चार चैन सिंगल क्रोशिया, चार चैन सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न को कंटिन्यू करना है। टोटल आपके यहाँ पे तीन लूप बनेंगे, एक दो तीन, फिर जो आपको छः चैन बनानी है और जैसे शुरुआत किया था उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। पहले आप यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लो, एक दो और ये तीसरा, फिर दो चैन फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ये देख सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे का राउंड भी पूरा कर लेना है। पूरा राउंड यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन चेंज होगी। अब 27 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। पहले आप तीन चैन बना लो, तीन डबल क्रोशिया, मतलब पहले तीन चैन का एक डबल क्रोशिया, उसके बाद दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर उसमें ही तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। इसके बाद आपको ये एक साइड वाला पैटर्न बन गया। तीन चैन बनानी है और फिर दूसरे साइड में वैसे ही पैटर्न बना के पैटर्न को घुमा देना है। इसके बाद तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, फिर जो है आपको छः चैन बनानी है और इसको स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है। अब हम पूरे राउंड नहीं बनाएंगे, एक एक पैटर्न को पूरा करके इस तरह से बनाते जाएंगे, इसीलिए आपको फिर घुमाना पड़ेगा फ्रंट साइड बैक साइड से। फिर चार चैन सिंगल क्रोशिया, चार चैन सिंगल क्रोशिया, तो दो लूप बन गए। इसके बाद आपको छः चैन बनानी है, डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा पहले वाले लूप में, दूसरा वाला वैसे ही रखना है, अभी नहीं उसको यूज़ करना। तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, फिर आपको तीन चैन बनानी है, एक पैटर्न हो गया। अब हमें आगे नहीं पूरा करना, तीन चैन बनाइएगा और पैटर्न को घुमाइएगा इस तरह से, और फिर सेम उसी में ही और तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न को बनाना है। यहाँ पे इसके बाद जो है छह चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर चार चैन सिंगल क्रोशिया, फिर आपको छह चैन बनानी है, डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, सेम वहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन,
3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न को बनाना है। तीन चैन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे, एक, दो, तीन, फिर तीन चैन, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और, फिर जो है आपको 6 चैन बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है और फिर से 6 चैन बनानी है। यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल शेप तो पूरा हो गया। अब इसको बस आगे से ऊपर से जोड़ना है, तो आपको आगे वाले इसमें 3 डबल क्रोशिया तीन चैन 3 डबल क्रोशिया तीन चैन घुमाइएगा 3 डबल क्रोशिया तीन चैन 3 डबल क्रोशिया बीचों में 3 चैन। अब नीचे जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आगे के इसमें डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे पूरा फिनिश हो गया है। अब इसके बाद आप आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, उसके बाद 3 चैन बनानी है और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना देने हैं। ये एक, ये दो और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ से हम जुड़ गया। अब हमें फिर से इसको घुमा देना है, बैक साइड से बनेगा। आप 3 चैन बना लीजिए पहले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया, एक, दो और ये तीन, इसके बाद एक चैन बनाइए और आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। तो अपने ये लास्ट राउंड है इसका। आप चाहो तो धागे को यहाँ कट करके आगे वाले पैटर्न पे जा सकते हो, या इस तरह से मैंने जो धागा नीचे की तरफ लिया है आप उस तरह से भी बना सकते हो, दोनों तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ूंगी। आपको बस हर एक स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और धागे को जो है वो नीचे की तरफ ले आना है। ये देखिएगा जितने भी स्टिच है उन सब में बस सिंगल क्रोशिया या स्लिप नॉट लगा के धागे को, या एक डायरेक्ट आप कट भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ तक ले आई हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। बट उसके पहले हमें 3 चैन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है आपको। 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मैंने 3 चैन क्यों जोड़ी है दो पैटर्न के बीच में, जब हम इसके आगे वाला लास्ट वाला राउंड बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चैन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और, जैसे शुरुआत की थी हमने उसी तरह से
अब ये दूसरा पैटर्न यहाँ से शुरू होगा। छह चैन बनानी है यहाँ पे भी आपको, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद चार चैन, दो तीन चार, इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर चार चैन बनानी है आपको, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। दो लूप बने हैं, इसके बाद आपको छह चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ इस साइड से जोड़ना है। तो पहले वाले लूप में आपने डबल क्रोशिया के साथ जोड़ा, इस लूप में आपको तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया बनानी है। और दूसरा लूप आपको पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर धागे को नीचे ले आना है और फिर आगे वाला पैटर्न वहाँ से शुरू होगा। तो पहले ये बना लेते हैं हम। तो आपने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया बना ली। अब पैटर्न को घुमा के उसी तरह से सेम मैंने बना दिया है। अब इसके बाद लास्ट वाला राउंड है, इसमें सिंपल है, तीन चैन बनाई है और ये जो पैटर्न है इस पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है। तब जब हमने चेंज कर रहे थे राउंड को, तब घुमा रहे थे, तब तीन चैन बना के घुमाया था। अब उस पर सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर आपको बीच में पांच चैन, स्लिप नॉट, फिर तीन चैन, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन, इसी स्लिप नॉट से धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, फिर लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो एक फूल जैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड से दो दो पैटर्न ऐसे बने हैं। इसके बाद तीन चैन बनाइएगा, फिर इस वाले पैटर्न के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। ये देखिए, एक ये बन गया। अब दूसरा सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा, फिर तीन चैन आपने बनानी, फिर इसको स्लिप नॉट लगाना है यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद जो है सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, पांच चैन बनानी है आपको, पहले तीन चैन वाला, फिर उसके बाद पांच चैन, स्लिप नॉट लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, इसके बाद तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। ये देखिएगा, तो दो पैटर्न बन गए एक साइड से। अब धागे को तीन चैन बनानी है और ये बीचों बीच जो हमने तीन चैन बनाई थी दो पैटर्न के बीच में, वहाँ पे अटैच कर देना है और फिर तीन चैन बना के दूसरे वाले पैटर्न के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर आपको तीन चैन, स्लिप नॉट लगाना है यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया लूप के ऊपर, फिर पांच चैन, स्लिप नॉट, स्लिप नॉट मतलब धागे को आपने डाला और डायरेक्ट निकाला, फिर तीन चैन, फिर स्लिप नॉट, देखिए इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशिया। तो हर पैटर्न में आपको दोनों साइड से दो दो बार बनाने हैं, तीन चैन बीच में, फिर ये इसके यहाँ पे सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगा, तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, पांच चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया। आप देख सकते हो ये दो बन गए एक साइड से। ये देखिए, अब ये जो सेंटर में है इसको कैसे बनाना है। तो पहले आप यहाँ पे तीन चैन बना लो, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो दो राउंड लिए हमने हुक के ऊपर, एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, फिर तीन चैन, स्लिप नॉट, फिर एक ट्रिपल क्रोशेट, फिर उसके बाद एक दो तीन चार चैन और एक स्लिप नॉट,
फिर एक ट्रिपल क्रोशेट, एक दो तीन बार राउंड निकालना पड़ता है। फिर आपको तीन चैन, स्लिप नॉट, इसके बाद और एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है हमें। इस तरह से ये बन गया। फिर आपको तीन चैन बनानी है और इस साइड से जो बना उसी तरह से दूसरे साइड से भी। फिर यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ूंगी, इसके बाद तीन चैन, स्लिप नॉट, फिर सिंगल क्रोशिया, इसके बाद पांच चैन, एक दो तीन चार पांच भी बना सकते हैं, चार भी। पांच चैन बनाई मैंने यहाँ पे, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर उसके बाद तीन चैन आगे वाले पे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, पांच चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, तीन चैन, स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया। तो दूसरे साइड से भी आपके दो पैटर्न बन गए। फिर तीन चैन, इसको बीचों बीच दो पैटर्न के बीच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर तीन चैन। और जैसे इस साइड हमने पूरा बना दिया, उसी तरह से आपको बाकी के पैटर्न को भी पूरी तरह से बनाना है, सेम उसी तरह से। एक दो तीन चैन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और इस राउंड को इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब राउंड तो कंप्लीट हो गया है, पर लास्ट में इसको कैसे जोड़ना है वो देख लीजिए, नहीं तो मुझे बहुत कमेंट करके पूछेंगे कि आप बताती नहीं हो। तो इसमें देखिए, ये हमने बीच का छोड़ दिया था क्योंकि शुरुआत वहाँ से थी। तो आप पहले यहाँ पे तीन चैन बना लो ट्रिपल क्रोशिया के साथ, बीचों बीच जोड़ना है। तो एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ, फिर तीन चैन, स्लिप नॉट के साथ जोड़ना है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें दो राउंड लेने होते हैं हुक के ऊपर, और डबल क्रोशिया के लिए एक राउंड। फिर चार चैन, स्लिप नॉट, ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन, स्लिप नॉट, ट्रिपल क्रोशिया, और जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे आप इसको तीन चैन बना के जोड़ दीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। बाकी डिज़ाइन पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं समझ में आए तो राउंड नंबर के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकती है, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बाकी डिज़ाइन इतनी बड़ी बनेगी, अगर ऊल मोटा लिया तो और भी बड़ी बन सकती है। आपको पैटर्न कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दो पार्ट में है, काफ़ी बड़ी डिज़ाइन है। पहले पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा। ये 16 इंच का है, काफ़ी बड़ी थलपोश है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।